वोटर कार्ड में आप फ्री में करेक्शन कर सकते हैं, इसके लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। वोटर कार्ड में आप जो भी करेक्शन कर रहे हो उसके लिए आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। हम आ चुके अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। हम कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं, जैसे कि हम क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं और उसके सर्च बॉक्स में हम टाइप करेंगे nvsp.in, इंटर की प्रेस कर देंगे। हम सर्च इन इलेक्ट्रोल रोल पे क्लिक करके हम अपना नाम लिस्ट में चेक कर सकते हैं कि है या नहीं। करेक्शन करने के लिए हम वोटर पोर्टल पे क्लिक करेंगे। सबसे ऊपर लिखा है क्रिएट एन अकाउंट, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम अपनी ईमेल आईडी या फिर अपना मोबाइल नंबर फिल करके सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे और फिर हम यहाँ पर ओटीपी को फिल करके वेरीफाई कर देंगे। अब हम यहाँ पर कोई पासवर्ड क्रिएट करेंगे। कन्फर्म पासवर्ड में हम दोबारा से वही पासवर्ड फिल करेंगे। 15 + 3 = 18, हम यहाँ 18 फिल करेंगे। कॉन्सेंट दे करके हम क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। वेलकम, हमारा अकाउंट बन चुका है। अब वेलकम पर क्लिक कर देंगे। हम सबसे ऊपर हम अपना नाम फिल करेंगे। हम चाहे तो सर नेम में अपना लास्ट नेम फिल कर सकते हैं, अगर चाहे तो खाली भी छोड़ सकते हैं। और यहाँ स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे हम। अब हम अपने वोटर पोर्टल के डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके हम नए वोटर कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। करेक्शन करने के लिए करेक्शन इन वोटर आईडी पे क्लिक करेंगे हम। लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करेंगे हम। यदि हमें वोटर आईडी कार्ड नंबर नहीं मालूम है तो नो पे क्लिक करेंगे और अगर मालूम है तो हम एस पे क्लिक करेंगे। हम एस पे क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पर हम अपनी वोटर आईडी नंबर फिल करेंगे और उसके बाद फेच डिटेल्स पे हम क्लिक कर देंगे। प्रोसीड के बटन पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हम अपनी सारी डिटेल देख सकते हैं और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हम अपने मोबाइल नंबर को दोबारा से फिल करेंगे, सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देंगे, ओटीपी फिल करके वेरीफाई कर देंगे। जो जो चीज़ भी आप करेक्ट करना चाहते हैं उसे हम सेलेक्ट करेंगे। एक बार में आप अधिकतम 3 चीज़ ही करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम नेम सेलेक्ट करेंगे और पिता का नाम सही करना है इसलिए हम नेम ऑफ रिलेटिव पे क्लिक करेंगे और जन्मतिथि सही करना है, एज पे क्लिक करेंगे हम। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अगर हम अपने नाम को आधार कार्ड के अनुसार रखना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आधार कार्ड में हमारा नाम है वही नाम फिल करेंगे और हिंदी में ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। चूज फाइल पे क्लिक करके हम अपने आधार कार्ड को अपलोड कर देंगे। रिश्तेदार के नाम में हम अपने पिता का नाम सही सही फिल कर देंगे, जो आधार कार्ड में होगा हमारे या जिस भी डॉक्यूमेंट में सही सही होगा। हिंदी में जो नाम ऑटो फिल हुआ है वो गलत दिख रहा है, हम उसे सही कर सकते हैं। हम एज की बजाय जन्म तिथि फिल करना चाहते हैं इसलिए हम डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करेंगे और यहां से हम जन्म तिथि को सही सही फिल कर देंगे और फिर हम यहां से वही डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे जिसमें हमारी जन्म तिथि सही सही फिल हो। जो डॉक्यूमेंट हमने अपलोड किया उसका नंबर भी, आईडी नंबर भी हम फिल कर देंगे और उसके बाद सेलेक्ट फाइल टू अपलोड पर क्लिक करेंगे। हमने जन्मतिथि के लिए आधार कार्ड सेलेक्ट किया है इसलिए हम आधार कार्ड ही अपलोड करेंगे। हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहा है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आज की डेट ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। इंटर प्लेस में हम अपने स्थान का नाम फिल कर देंगे जहाँ पे हम बना रहे हैं और अपना नाम फिल करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है। हमने जो भी करेक्शन किया है हम उसे यहाँ से चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं नीचे लिखा है फॉर्म
सबमिटेड डिजिटली, मतलब आपको कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट भेजने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे। रेफरेंस आईडी को हम नोट करके रख लेंगे। रेफरेंस आईडी से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा फॉर्म कहां तक पहुंचा है अभी तक। हम जाएंगे अपने होम पेज पर और यहां लिखा हुआ नीचे ट्रैक एप्लीकेशन, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहां रेफरेंस आईडी अपनी फिल करेंगे हम और उसके बाद ट्रैक स्टेटस पे हम क्लिक कर देंगे। हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब इसके बाद ये बिल्लो के पास जाएगा, फील्ड वेरीफाइड होगा, उसके बाद एक्सेप्ट किया जाएगा। या फिर आप अपने डैशबोर्ड पर भी जा करके चेक कर सकते हैं। यहाँ ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन लिखा है हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ अपनी रेफरेंस आईडी फिल करेंगे, ट्रैक स्टेटस पे क्लिक कर देंगे।